नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप सुबह से ही टीवी में आप अपडेट देख रहे हैं किसान आंदोलन का 2.0, किसान आंदोलन 2.0 का आप अपडेट देख रहे हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि किसान भी फुल तैनाती में हैं और जो हमारे जवान हैं वो भी फुल तैनाती में हैं। और एक दिन पहले जो है मैं खुद शंभू बॉर्डर गई थी, वहाँ से मैं कवरेज करके लाई थी, मैंने राजधर्म पर अपलोड किया, आपने वो सारी चीज़ें देखी। और उसमें आपने ये भी देखा कि वहाँ के 25-25 साल के जो नौजवान हैं वो क्या कुछ बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं और हमारे देश के लिए क्या कुछ बातें और क्या कुछ सोचना और विचारना उनका है। तो मैं फिलहाल बिट्टा जी के साथ हूँ और थोड़ा इनसे मैं बातचीत करूँगी किसान आंदोलन के ऊपर। और दूसरा, जो बार बार हमें वीडियोस वायरल होते हुए नज़र आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें मोदी को गिराना है, हमें मोदी को मारना है, इवन राजधर्म के भी एक वीडियो के अंदर एक शख्स है जो बार बार कहता है कि हम मोदी को मुक्कियों से मारेंगे, उसको हम नीचे गिराएंगे। तो इन सब मुद्दों पर आज जिंदा शहीद MS बिट्टा के साथ मैं मौजूद हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बातचीत है वो आप सभी सुने। बिट्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर और बड़े दिनों के बाद आए हैं तो और भी ज़्यादा स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितना गंभीर ये किसान आंदोलन है? मेरा आपसे भी एक सवाल है। मैं कल गुजरात से आया, कुछ चैनलों ने मेरे से इंटरव्यू दिया, क्या केरला, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश, क्या यूपी, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या पूरे देश के अंदर, क्या गोवा, क्या किसान आंदोलन आपने देखा? अगर कहीं किसान आंदोलन हुआ तो उसका मतलब वही सरकारों ने मिलकर हल कर दिया। इस किसान आंदोलन के अंदर पिछली बार और अब, पिछली बार तो वो विज्ञान भवन जहां मेरी जेट प्लस सुरक्षा, मुझे जाने के लिए मेरी 20 बार चेकिंग होगी फिर अंदर जाएगा जी, और किसान भाइयों को अंदर लाल कारपेट से स्वागत किया गया। सेंटर के 10-10 मंत्री उनसे बातचीत करते रहे जी, हल नहीं मिला तो जो कानून था वो नरेंद्र मोदी जी ने क्षमा भी मांगी। इस बार भी वही हुआ, दिल्ली से 4-4 मिनिस्टर कैबिनेट के चंडीगढ़ बातचीत करने गए, कैबिनेट देश में ऐसा था। पंजाब के अंदर जो मैं महसूस करता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिख समाज के आगे सिर झुकाते हैं। अब ये दिल्ली आने की बात करते हैं जी, फर्ज करो ये दिल्ली आ जाते हैं, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? पिछली बार भी किसान आंदोलन के नेताओं ने जिम्मेदारी उठाई थी, आंदोलन कहाँ चला गया? कौन सा दिन था? 26 जनवरी, पाकिस्तान तमाशा देख रहा था जब लाल किला के ऊपर कुछ लोगों ने उगदड़ मचाते मचाते तिरंगे झंडे तक पहुंच गए थे, तो पाकिस्तान ने यह खबर फैला दी थी कि हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान का कब्जा हो गया। हिंदुस्तान का वो लाल किला जहां आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा लहराया गया, आज़ादी की नींव रखी गई, वहां पे जाके कब्जा कर लिया गया। तो मतलब ये पाकिस्तान ने खबर फैला दी पूरी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तानियों का कब्जा हो गया जी। और एक तरफ 26 जनवरी राष्ट्रपति जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं, एक तरफ पूरी कैबिनेट खड़ी है, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया के एम्बेसडर बैठे हुए हैं और दुनिया के कई मंत्री वहां बैठे हुए हैं, पूरा प्रशासन बैठा हुआ है। 4 किलोमीटर का फासला है, एक तरफ राष्ट्रपति भवन, एक तरफ PM हाउस, एक तरफ उपराष्ट्रपति भवन, एक तरफ पार्लियामेंट, एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वहां तक पहुंच जाते तो क्या होता, ये कभी सोचने की कोशिश की? पूरी दुनिया के एम्बेसडर वहां बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में संदेश क्या जाता कि हिंदुस्तान एक सेफ कंट्री नहीं रहा, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आके किसी को भी मार के जा सकता है। जब पुलिस वालों के ऊपर हमला हो जाता है, पुलिस वालों को रोदा जाता है, मैं महसूस इस चीज को करता हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इशारा किया होगा गोली नहीं चलनी चाहिए। ये मेरे किसान भाई हैं, ये मेरे सिख भाई हैं, ये गुरु महाराज के वो वंशे हैं, इनके ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। लाठी खा लेना, गोली खा लेना, शहादत का जाम पी जाना सुरक्षा जवानों को कहा होगा, पर इनके ऊपर गोली मत चलाना कि कहीं गोली चली। आपने कवर किया वो सारा, पहला इंटरव्यू आपने मेरा, सबसे पहला इंटरव्यू आपने मेरे से लिया था जी। क्या गोली चली? नहीं चली। मुझे एक चीज बताइए, जिस तरीके से मैं कहता हूँ आंदोलन करना जंतर मंतर पे होते, पूरे देश में होते, लोकतंत्र मुल्क है,
आंदोलन करना हर व्यक्ति का हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। पर आप दिल्ली आके आंदोलन करें, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद करें, दिल्ली के अंदर कुछ शरारती लोग को, पाकिस्तान के लोग को, ISI के लोग, जिस तरीके से पन्नू ने अभी कहा कनाडा अमेरिका के अंदर कि हमने पाकिस्तान के जरिए हथियार भेज दिए हैं राजस्थान के अंदर, कश्मीर के अंदर, आप पुलिस के ऊपर गोलियां चला, क्या बात कर रहे हैं, पन्नू ने ये बात कही है? अरे आपको वीडियो देता हूँ, पन्नू ने कहा हथियार हमारे तैयार हैं किसान भाइयों, और वहां वहां आप ले लेना, राजस्थान से ले लेना, जम्मू कश्मीर से ले लेना, बॉर्डरों से ले लेना, हथियारों का इंतजाम कर दिया। फर्ज करो पाकिस्तान 4 आदमी 10 आदमी हथियारों से भेज दे, को RDX भेज दे, को दिल्ली के आके कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं PM हाउस, कहीं उपराष्ट्रपति भवन, कहीं पार्लियामेंट के पास, कहीं किसी एम्बेसी के अंदर को बम गोलियां चला दे, तो कहां जाएंगे हम? देश की सुरक्षा कहां खड़ी है? मुझे एक चीज का सवाल, जब एक बार 26 जनवरी को ये हादसा हो चुका, किसान आंदोलन हाथ से निकल गया, दिल्ली दहल गई, तो अब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और अब तो आप इंटरव्यू लेके आए, सरेआम कहा गया हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे, हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मुखिया मार देंगे, हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री की मदर जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसने इतना बड़ा योद्धा पैदा किया हमारे राष्ट्र के अंदर, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिसने दुनिया को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का किया। मैं BJP का नहीं हूँ, पर प्रथम राष्ट्र की मैं इज्जत करता हूँ जो उन्होंने किया। आज उनको आप मारने की बातें करते हैं, तो किसान आंदोलन के जो लीडर हैं क्या उनकी नज़र नहीं है इनके ऊपर, जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अगर वही लोग PM को मारने की बात करते हैं, सरे आम किसान आंदोलन अपने हक की बात कर सकता है, उसको इजाजत है, वो कर सकता है, वो आंदोलन कर सकता है, पर बीच में शरारती लोग कहीं मॉब जो है PM हाउस में घुस जाए, ये पास PM हाउस है, कोई दूर नहीं है, लाल किला से कितना दूर है PM हाउस, 10 किलोमीटर का फासला होगा, अगर PM हाउस की तरफ घुस जाए और वहां से अगर गोलियां चल जाए तो हमारे पे गोलियां चल रही, करने क्या गए थे आप? क्यों हुए थे 84 के दंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्यों हुए थे 84 के दंगे होते? ये मैं इस सवाल पे आऊंगी बेटा जी, लेकिन आपने जैसे 26 जनवरी का जिक्र किया और जैसे हम लोगों ने देखा कि 26 जनवरी को जिस तरीके से आता था पूरे दिल्ली में मचा दिया गया था, ITO का अगर मैं पूरा वो सेंट्रल दिल्ली की बात करूं तो पूरी तरीके से इन लोगों के कब्जे में आ गए थे। लेकिन जब मैं उन किसानों से बात करती हूं, जब मैं उन आंदोलनकारियों से बात करती हूं शंभू बॉर्डर पे, तो वो कहते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन था। मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान दरअसल है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपकी को बात नहीं मानी जाती तो आप कब्जा कर लोगे? पार्लियामेंट में क्या हुआ था जब अफजल गुरु घुसा था अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो पूरा घेर लेते पार्लियामेंट और कह देते हमारी ये बातें मानो, तो मान नहीं जाती क्या? ये क्या नया तरीका आ गया कि हम इस तरीके से मनाना चाहते हैं? सिख कौम एक मानवता के लिए बनाई गई, सिख कौम के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है, 2% हमारी आबादी है, हम नहीं मानते, हम तो पूरी दुनिया में राज करते हैं, 195 देशों के अंदर, 128 कंट्री के अंदर निशान छाप झूलता है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फॉरनर सब जाके सिर झुकाते हैं। हरमंदर साहब का आप इतिहास देख लीजिए। अब सिख कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? जब सरकारें आपके आगे झुकती है, सरकारें आपको विज्ञान भवन में बुलाती है, सरकारें चंडीगढ़ में जाती हैं आपसे बातचीत करने के लिए, पर ये गुंडागर्दी बीच में करने वाले, मैं किसानों को नहीं कहना चाहता, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी जब गए थे फिरोजपुर के अंदर करोड़ों अरबों रुपये का पैकेज लेकर के, वहाँ कॉलेज, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करना था उन्होंने अरबों का, और जितना भी पंजाब के ऊपर कर था टेररिज्म के ऊपर आज 32-33-34 साल से, वो सारा माफ़ करना था। नरेंद्र मोदी जी को कहाँ घेर लिया? किसान आंदोलन के नाम के ऊपर शरारती लोगों ने 50 किलोमीटर एक पाकिस्तान फिरोजपुर जी, 75 किलोमीटर गंगानगर पाकिस्तान, और 100 किलोमीटर वाघा बॉर्डर पाकिस्तान, और बीच में इन्होंने घेर लिया। क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा गोली चलाओ जी? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा गोली चलाओ? करते रहे, पता नहीं किस तरीके से बच के आ गए। अब फिर कहते अगर तुम अब आए तो तुम वापस नहीं जाओगे? अरे यार हिंदुस्तान है या धर्मशाला, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री ने देश के लिए इतना कुछ किया, को बोलने वाला ही नहीं, सिख समाज के ऊपर को बात करने वाला ही नहीं, हम अपने घरों में बैठ गए, ये क्या उसूल है?
लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा सरकार के ऊपर, और ये जो सरकार है वो बहरी है, ये सुनती नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं है, ये उनका बोलता हूँ। आप प्रेशर डालिए हर तरीके से डालिए, पर ये प्रेशर क्या है कि मोदी अब तू पंजाब आएगा वापस नहीं जाएगा, ये प्रेशर किस चीज का है? हम तुमको मार देंगे क्या? इंदिरा गांधी को मारा गया ना, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मार दिया था, तो डर है कि कहीं मोदी को भी मारा जाए? नहीं, पंजाब में भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, उसके ऊपर राम की, गुरु नानक की, उसकी भोले शंकर की बड़ी कृपा, उसको मारने वाला। पर मैं एक बात कहता हूँ, है ना, मुंह से कई लोग निकाल चुके, तू बचेगा नहीं, तुमको मार देंगे, कल को कुछ हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह छोटी सी बात है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर इस भारत वर्ष को एक कभी कहते थे सोने की चिड़िया, आज तो एक शेर, सोने का शेर कहना चाहते हैं कि वो भारत को बनाए जा रहा है। इस दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। छोड़िए बीजेपी, छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए सीपीएम, छोड़िए समाजवादी पोर्ट, छोड़िए ममता बनर्जी की पार्टी, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार, भारत आज़ादी का भारत जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खान ने भारत बना के दिया, उस भारत के प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। आप उस तरफ जाइए तो सही, 500 साल का इतिहास, ना दंगे चले, ना दंगे हुए, ना गोली चली, ना बम चला, ना कुछ चला, कॉरिडोर खोला सिख समाज को सबके लिए, गुरु नानक देव जी के सिर झुकाने वालों के ऊपर पूरी दुनिया से लोग आए, एक तरफ पुलवामा का अटैक और एक तरफ कॉरिडोर खोला गया, क्या नहीं किया? क्या बद्रीनाथ केदारनाथ के बीच हेमकुंड साहब का रास्ता जाता है, वहां एक क्रेन चलाई गई, लोग वहां पे जाएंगे, कभी किसी ने सोचा था? ये तो नहीं मोदी ने कहा ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ ये हिंदुओं का है, ये सिखों का है, मैं ना करूं? वो तो सिख समाज के आगे सिर झुकाते हैं। वीर बाल दिवस छोटे छोटे साहबजादों का किसी ने आज किया? उन्होंने उसके लिए ऐलान किया कि पूरी दुनिया के अंदर जहां हमारी एम्बेसी है, जहां हमारे स्कूल है, जहां हमारे गवर्नर हाउस है, उनका मनाया जाएगा। क्या बात! तो मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी ने कब सिख कौम को नीचे दिखाने की कोशिश की? अगर दिखाने की कोशिश की होती तो 26 जनवरी को ऐलान हो जाता कि इनके ऊपर गोली चलाओ, इनके ऊपर लाठी चलाओ। वो कहते हैं लाठी खाओ, गोली खाओ, पर सिख समाज के ऊपर गोली ना चले, इनके ऊपर लाठी ना चले, रोदा जाए रोद दो। नरेंद्र मोदी या योगी के होते हुए को हिंदुस्तान के ऊपर वार कर जाए, पर एक चीज सिख पगड़ी के आगे, योगी हो, मोदी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई पॉलिटिक सिर झुकाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, तो ये कौन सा तरीका? मुक्की मार देंगे, पंजाब में आया तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बम्बों से, इसका जवाब कौन देगा? इसका समाज जवाब तो सिख समाज को देना होगा। इसका समाज जवाब अगर हिंदू समाज देगा तो कहेगा तू फिरका प्रस्त है, इसका जवाब हिंदू देगा तू बीजेपी का है, इसका सवाल हिंदू देगा तो तू देश को तोड़ता, इसका समाज जवाब को मांगेगा तू आरएसएस का है, तो सिख मेरा भाई बोले कोई ना भाई। पूरे देश में हम रहते हैं, हमारे सिखों का एक इतिहास है, हमें पूरी देश में इज्जत मिलती है, हम देश से अलग नहीं है, हमारे गुरुओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, पर जवाब सिख समाज के निकल के क्यों ना दे? जब ये कहा जाता है हिंदुस्तान के मूल प्रधानमंत्री को हम मार देंगे, ये मेरा सवाल है। हाँ बेटा जी, आपने अभी जिक्र किया कि जैसे इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई, तो अगर देश में वैसी परिस्थिति, ये मेरा सवाल आपसे है, मैं पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये किसान आंदोलन हो रहा है और जितना हम ताप इस आंदोलन में देख रहे हैं कि इतना ताप है कि भाई बड़े बड़े जेसीबी जो हैं इनके पास हैं, बड़े बड़े मशीन जो है पूरी तरीके से तैयार इन्होंने कर रखा है पूरे आंदोलन में लेके आने के लिए दिल्ली के अंदर, तो क्या स्थिति 84 जैसे पनप सकती है क्या 24 में? ये मैं पूछना चाहती हूँ, डर है आप? पहली बात तो मैं ये कहूँ, ये आंदोलन करने वाले जितने भी हैं ना, चलो किसान कुछ अच्छे भी हैं जो इनके लीडर अच्छे हैं, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, जो बीच में कई तमाशबीन बहुत आ जाते हैं। हाँ। और सोशल मीडिया का युग आ चुका है, हर आदमी सोशल मीडिया में छाना चाहता है। सही बात। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने भी इंटरव्यू लिया, अगर उन छोटे छोटे बच्चों को अभी इसे कहना शुरू कर दें, इसको तो हमने मारना है, सही इसको तो हमने करना है, उनके अंदर एक अभी से नफरत का जहर फैला दे, कल को कोई ऐसा हादसा कहीं भी कहीं हो जाए तो क्या होगा देश में? क्या इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है इंदिरा गांधी के ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, राजनीतिक गलतियां थी, पंजाब के हालात खराब हुए, गंदी पॉलिटिक्स हुई, हुआ, पर दिल्ली के सिख का तो कोई कसूर नहीं था, सही दिल्ली का सिख तो कोई आंदोलन के साथ नहीं था,
दिल्ली के सिख ने या बिहार के सिख ने या यूपी के सिख ने, पूरे देश के सिख ने, पंजाब को छोड़ करके, पंजाब में सारे नहीं थे, किसी को मारा तो नहीं था। बिल्कुल, इंदिरा गांधी को मारा, किसी ने लड्डू बांटे, हमने इंदिरा गांधी मार दी, आग पूरे देश में लग गई, 84 के दंगे हुए, इस तरफ तो कोई नहीं जाता भाई, 84 के दंगे हुए क्यों? अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता तो 84 के दंगे होते, मेरा सवाल है आपसे, नहीं आप जवाब दीजिए, अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता 84 के दंगे होते? इंदिरा गांधी को तो भूल जाते, 84 के दंगों को याद करते हैं, 84 के दंगे हुए वो बेकसूर क्यों मारे गए? इन पंजाब वालों की ऐसे लोग जो कहते हैं हम प्रधानमंत्री को मार देंगे, प्रधानमंत्री को मारना, चीफ मिनिस्टर को मारना, 36,000 लोगों का कत्लेआम कर देना, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, क्या ये बेटे बकरियां, जिसको मर्जी मार दोगे आप, तो देश की कानून व्यवस्था कहाँ है? अगर ऐसा हुआ तो क्या पंजाब के बाहर के सिख सरदार नहीं है? क्या उनका आपको फिक्र नहीं है? क्या उनका आपको फिक्र नहीं है? जब मोदी को मारने की बात करने वाले, मैं कहना चाहता हूँ, क्या उनको पूछिए, पंजाब के सिख समाज को, क्या आपको पंजाब के बाहर को तकलीफ है? पंजाब से ज़्यादा खुशहाल है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े व्यापार हैं, कपड़े का व्यापार है, पूरे देश के कोने कोने में फैले, मैं उनके पास जाता हूँ, वो सुखी हैं, आप उनको सिखी नहीं समझते? आप कहते हैं मोदी को मार देंगे, मार देंगे तो फिर क्या होगा? अगर ऐसे हालात बन गए तो फिर क्या होगा? आंदोलन में कुछ ऐसे लोग नहीं, फिर कौन जिम्मेदार आप... नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई शरारती अंसर, अगर पाकिस्तान, अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए, अगर मोदी के ऊपर कोई हल्का सा ऐसा कंकर भी लग गया, करे पाकिस्तान, करे शरारती लोग और फंस जाए बेगुनाह लोग, ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, जो बहुत बड़े सवाल है, इनको समझेगा कौन? क्या पंजाब के बाहर जितने भी सिख समाज के मेरे गुरुद्वारा साहब हैं, मेरे भाइयों के, क्या वो संगत बुलाएंगे? क्या संगत बुला के भाई बहनों बच्चों को कैमरे ला करके अरदास करके ये कहेंगे हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं? किसानों के नहीं, देशद्रोहियों के खिलाफ हैं हम, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पन्ने वाले, ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चैलेंज करने वाले, उनको कहते हैं खुलेआम मारेंगे, हम इनके खिलाफ हैं, हमारा इनके तलक नहीं। इन लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए, हम बेकसूर थे, इन लोगों ने ऐसे भाषणों ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, गलों में टायर डाल के उनको लटकाया गया, उनको घसीटा गया, इन लोगों के क्या को बोलेगा? अगर धर्म की राजनीति करते रहेंगे तो धर्म की राजनीति करते करते हमें एक दिन खत्म हो जाए, हम नुकसान पे आ जाएंगे। हमारा सिख धर्म एक मानवता का प्रतीक माना जाता है, मजलूमों की रक्षा का माना जाता है, ये नहीं कहा जाता हम मार देंगे, हम काट देंगे। ठीक है, तो बिट्टा जी मैं अब थोड़ा सा आंदोलन, क्योंकि आपने सारी शंकाएं मुझे बताई कि आपको किस किन बातों का डर है, आपने फिर चाहे उसमें आपने ये भी जोड़ा कि पंजाब के बाहर जो सिख रहे हैं उन पर भी खतरा है अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं, तो आपने ये भी कहा कि धर्म की राजनीति करने के बाद जो परिणाम होगा वो सबके लिए बड़ा दुखदाई है। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आंदोलन हो रहा है, आप खेती करते हैं, आपके जानकार कोई खेती करते हैं? मेरे अपने हैं। अपने हैं, आप खेती करते हैं, तो क्या लगता है सरकार जो है वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, जो इनकी मांग, अगर मैं मांग की बात करूं, आप भी पंजाब के हैं और किसानी आप बोल रहे हैं आप करते हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में एयर कंडीशन है, ट्रैक्टर में टॉयलेट भी है, ट्रैक्टर में खाना भी बनता है, कोई कमी तो नहीं? खुशहाल स्टेट है, सब कुछ होने के बावजूद पंजाब खुशहाल स्टेट है। पर चलो, उनकी उनकी आंदोलन एक मांग है, उनके कोई मांगे हैं, मैं फिर कहूँ मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं पूरे देश में जाता हूँ, मुझे तो ऐसा कभी घिराव नज़र ही नहीं आता किसानों, मेरा तो टूर ही बाहर रहता है, मैं तो दिल्ली में होता ही कम हूँ, पंजाब में होता ही कम। अभी गुजरात गए तो वहाँ पर किसान, क्या बात है, यूपी में ये आपके ये बॉर्डर पे है, लो अभी चले जाऊँगा गाजियाबाद से, आगे कोई आंदोलन ही नहीं है। आप यूपी की बात करें, लो हरियाणा में चलते हैं, करनाल चलते हैं, या अपन इधर चलते हैं रोहतक चलते हैं, आप इधर चलते हैं राजस्थान की, कोई आंदोलन ही नहीं है। तो फिर ये मुझे नहीं समझ, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, प्रोपेगेंडा मानते हैं आप इस आंदोलन को? आपने ये सारा देख के आए, आप मुझे समझा सकते हैं, समझा दें, मेरी समझ से बाहर है, किसान पूरे हिंदुस्तान के एक हैं, अलग अलग तो नहीं है। जाके गुजरात की खेती देखिए, गुजरात के अंदर देखिए, बंजर जमीन वहाँ के लोगों ने सोने की जमीन बना दी, दिमाग है, दिमाग से चलते हैं, प्यार दिल से चलते हैं, व्यापार दिमाग से करते हैं, यहाँ दिमाग कहाँ है बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो विदेशों में चले गए, हमें छोड़ गए माँ बाप को सब, इधर बच्चे तो विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ है ही कोई नहीं, बिहार से मेरे भाई, यूपी से मेरे भाई आके वहाँ पे मेहनत मजूरी करके इनके हमारी ज़मीनों को संभाला हुआ है,
उनको कहते हैं भाई ये राज कर रहे हैं, फिर उनके बारे में गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो हमारी जमीन की देख रेख करें, एक तो खेती बाड़ी करें, फिर उनको कहे ये भैया मजाक करते हैं उनको। यूपी और बिहार के लोग नहीं, नहीं क्या यूपी बिहार क्या है, यूपी बिहार में क्या है, पूरे देश में यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग गोवा से लेके गुजरात से लेके बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं वो आके हमारे कब्जा कर लिए, तो आप अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं बताओ मुझे। आंदोलन आप करिए ना, बच्चे विदेशों में ना जाएं, आंदोलन आप करिए ना, शिक्षा के आंदोलन करिए, हमारे बच्चे आईपीएस बने, हमारे बच्चे आईएएस बने, हमारे पंजाब में चले जाओ बॉर्डरों पे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे एक्टिंग करते हुए रुमाल निकाले हुए, विदेश में चलिए, कनाडा चलिए, अमेरिका चलिए, हैं कमाल है यार, वहां पे को हमारे रेस्टोरेंट तैयार है कि वहां चले जाइए, आप निकल आइए हरियाणा में, आपने बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया, निकल आइए बिहार, आप यूपी में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, वहां लिखत पीसीएस बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, वाह कितना बड़ा अंतर है, देश एक है, और पंजाब में विदेश चलो, विदेश चलो, क्या विदेश चलो भी है क्या वहां से, बड़ा जो ये है कि विदेशों में बच्चों को भेज करके और देखना बच्चे काम क्या करते हैं वहां पे, तो वहां साइंटिस्ट बने, वहां डॉक्टर बने बच्चे, मुझे बताओ देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं वहां पे, सवाल मेरा वहां जाके पन्नू के पीछे लग जाते हैं, फिर कहते खालिस्तान बनाएंगे, अब यहाँ ट्रैक्टर रैली निकल रही है तो विदेशों से ट्रैक्टर, विदेशों से हमारा क्या तलक भी, खालिस्तान मांगना यहाँ आके मांग लो ना, आप यहाँ आके देखो खालिस्तान क्या है, आप किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन करिए, पर किसान आंदोलन के बीच में खालिस्तान के नारे लगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने के नारे लगे वो ठीक नहीं। आखिरी बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आंदोलन में जो भी लोग हैं, किसान भी हैं, आपका अंदेशा है कि कुछ शरारती तत्व भी उसमें मिले हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बिट्टा जी आप भी पंजाब से हैं, क्या संदेश किसानों को देना चाहते हैं? कि मेरा संदेश पहली बात तो मानेगा कोई नहीं, क्यों नहीं मानेगा, ये आपको सरदार आपको भी नहीं समझते वो, छोड़ो ना मैं फिर कहूँ मैं तो भारतीय हूँ, गाली देंगे संदेश कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है दूसरे देखते हैं, सीधी सी बात है जो उन्होंने कहना है मुझे पता है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इनको सबको, इतिहास के खूनी पन्नों को खोलने की कोशिश मत करो, हमारे चंद लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए, हमारे चंद लोगों की गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हमारे चंद लोगों की गलतियों से 36,000 लोगों के कत्लेआम हुए, ऐसी बातों का ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो कि हमारी इस पगड़ी पे दाग लगे, क्योंकि पंजाब के बाहर के जो सिख मेरे भाई हैं वो बड़े खुशहाल हैं, उनके लिए कोई खतरा ना बने, उनको कोई खतरा नहीं, उनके सारे लोग सिर झुकाते हैं, गुरुद्वारा साहब के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे नमस्तक होते हैं, उनके लिए को ऐसी स्थिति मत खड़ी करो गंदे भाषण गंदी भाषा का प्रयोग, पीएम को मार देंगे फलाने को मार देंगे, ये भाषा का प्रयोग बंद करो, अगर किसान आंदोलन की आपकी मांगे हैं सरकार आपसे फिर करना चाहती है उनसे आप करिए, अपने विचारों को रखिए, बातों को रखिए, चलिए इसी के साथ धन्यवाद।